सत्यलकीर देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और मैं हूँ आपके साथ राकेश। सबसे पहले तो मैं सत्यलकीर के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो सत्यलकीर के साथ आप जुड़े हो। आज हम आपको दिखा रहे हैं जे आल जम्मू और कश्मीर बटवाड़ा वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान के जो जहाँ पर इलेक्शन हुए हैं उस पर जहाँ पृथ्वी सिंह चंगोत्रा जी जो है वो बड़े अंतर से जीते हैं। तो इस समय हमारे बीच में दो DDC हैं, एक ब्लॉक मीरा साहब से हैं विद्या मोटन जी, दूसरे DDC हमारे बीच में हैं देवेंद्र मनियाल जी जो कि बिश्नाह से हैं। आइए जानते हैं इसे सर, ये जो आज जीते हैं इलेक्शन जीते हैं कितने वोट मिले हैं? सर मेरे ख्याल में 1300 के करीब वोट पड़ा है, 1200 कुछ जो वोट हैं वो उन्होंने लिए, मात्र 6 वोट जो है एक जो अपना कैंडिडेट था उसको पड़ा है और मेरे ख्याल में 20-25 के करीब दूसरे को पड़े हैं। ये मानिए कि एक तरफा ही ये इलेक्शन है जो वो डिक्लेयर हो गई है। और पृथ्वी सिंह पहले भी अध्यक्ष थे तो अभी उनको दोबारा ये चुना गया है, ये 3 साल के लिए मेरे ख्याल में कार्यकाल रहेगा। और शुक्रिया करता हूँ मैं यहाँ के वोटरों का, अपनी बरादरी के जो लोग जहाँ आए थे उनका भी शुक्रिया करता हूँ, प्रशासन का शुक्रिया करता हूँ, मीडिया कर्मियों का, सभी का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इतना शांतिपूर्वक, क्योंकि ये जहाँ तक मेरा मानना है मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसे चुनाव हुए हैं, नहीं तो सिलेक्शन होती थी, इस बार इलेक्शन हुई है और वो कहते हैं ना कि मैदान में हुई है, अच्छे तरीके से चुनाव हुए हैं। और दोबारा से मैं बधाई देना चाहता हूँ पृथ्वी सिंह को और उनकी सारी टीम को और इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी जहाँ इनके साथ लोग थे उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ, और ख़ासकर वोटरों का, जो वोटर हैं जिन्होंने दिल खोल के वोट डाला है। और मेरा मानना कि आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शनें हैं ये ब्लॉक वाइज ऐसी इलेक्शनें होनी चाहिए, और ब्लॉक वाइज ऐसे बिश्नाह है, मीरा साहब, मरालिया, जो जो भी जितने ब्लॉक हैं वहाँ होनी चाहिए, और इलेक्शन जो है वो खुल के होनी चाहिए और खुल के जो वो है वो आना चाहिए, रिजल्ट जो है खुल के आना चाहिए वहाँ। तो ये थे हमारे बीच में DDCO बिश्नाह से थे देवेंद्र मनियाल जी, अब हमारे बीच में DDC विद्या मोटन जी ब्लॉक मीरा साहब से, ये जानते हैं उनसे। मैडम जी क्या कहना चाहोगे आज के सिलेक्शन के बारे में? सबसे पहले तो मैं पृथ्वी जी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने इतने अच्छे वोट लिए, और इससे पहले भी वो प्रधान थे और अब भी दोबारा प्रधान बने हैं, तो मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और अपनी बिरादरी को भी मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने एकजुट होकर वोट डाले। और मुझे लगता है कि सुबह 7 बजे से सॉरी 10 बजे से लेके अभी तक जो लोगों का आना जाना चला है वो इतना अच्छे से चला और बिल्कुल शांतिपूर्वक जो इलेक्शन हुए हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब इन लोगों ने इलेक्शन अनाउंस किया, इलेक्शन होने का टाइम आया, तो मैंने सबसे एक ही बात बोली कि मैं DDC मीरा साहब और मुझे सब ने वोट डाले, मेरी जितनी बलादरी है सब ने मेरे को वोट डाले, सब ने मेरा साथ दिया, मैं किसी एक पक्ष के नहीं हूँ, एक साइड नहीं हूँ, मेरे सभी बहन भाई सभी इकट्ठे हैं, और जब इलेक्शन होंगे जो अच्छे वोट लेके आ जाएगा तो हम उनके गले में हार भी डालेंगे और उनको मुबारकबाद भी देंगे। और आपके माध्यम से मैं पृथ्वी जी को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप बटवाल एसोसिएशन के प्रधान बने हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से रहिए, लोगों के जो भी मसले हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कीजिए। हमारी जो बलादरी है बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है और ईमानदार लोग हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि आने वाले टाइम पे मेरी बलादरी को नुकसान हो, और कोई बहन भाई किसी का कोई मसला है तो वो बड़े प्यार से उनका साथ दीजिए और बलादरी को एकदम आगे लेके आइए, बलादरी में इतने अच्छे काम कीजिए, इतना अच्छा लोगों का साथ दीजिए ताकि मेरी जो बलादरी है और खुश रहे। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं फिर एक बार फिर मुबारकबाद दूँगी और आप लोगों को भी मुबारकबाद इसलिए देती हूँ, आपने भी बहुत अच्छा काम किया, सुबह से आप धूप में इसको कवर कर रहे हैं और देख रही हूँ मैं कभी धूप में खड़े हैं, कभी किसी उधर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे बीच में अभी जहाँ पर और भी हैं जो जहाँ पर सपोर्ट के लिए आए हुए थे, पृथ्वी सिंह जी के सपोर्टर थे, तो आज उन्होंने भी वोट दिया है, आज वो जीतकर बाहर आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं उनके जो जहाँ पर दर्शक ये क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहते हो आप? सबसे पहले मैं
सारे मीडिया भाइयों का बड़ा थैंक्सफुल हूँ जिन्होंने आज अपना कीमती टाइम हमारी बरादरी के लिए दिया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो जकबा के आज इलेक्शन हुए हैं, मैं अपनी बरादरी को बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जहाँ अपना टाइम कीमती टाइम निकाल कर आज अपने जकबा के प्रेसिडेंट को मतदान देके अपना वोट देके और बहुत ही ज़्यादा वोटों से अपना प्रेसिडेंट आज बरादरी ने चुना है। हमें गर्व है अपनी बरादरी पे और अपने प्रेसिडेंट पे जिन्होंने पहले भी 3 साल बरादरी के लिए काम किया और अभी भी वो दोबारा हमने उनको वोट देकर प्रेसिडेंट पद पे लाया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी बरादरी का और मीडिया भाइयों का और आम लोगों का जिन्होंने पुलिस प्रशासन का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सत्यल के ताज़ा अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। थोड़ी देर के बाद हम आपकी बात कराएंगे जो हमारे बीच में यहाँ पर जीत कर आए हैं पृथ्वी सिंह चंचोत्रा।